आवंटित होने के बावजूद, सबसे वरिष्ठ सदस्य के द्वारा यह अनुरोध करने के बावजूद जिस प्रकार का आचरण दिखाया जा रहा है, इससे साफ समझ में आता है सभापति महोदय कि इनका उद्देश्य सवाल, सवाल का जवाब और जवाब के सवाल में नहीं है, इनका उद्देश्य बवाल में अधिक दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये अपोजिशन की इस नियत को भी स्पष्ट करता है। अब मैं विषय पे आता हूं, जो मैं बता रहा था कि बिंदु क्रमांक 5 पर राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि ये देश के इतिहास में 60 साल के बाद ये पहली बार एक घटना हुई है जब लगातार 3 बार किसी प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हो। और जिस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने यह शब्द बोला था, हम सबको ध्यान है, सबसे अनेक विपक्षी सदस्यों ने अपनी अपनी सीट पर आवाजें करते हुए इसका प्रतिवाद किया था। संभवतः उनके मन में इस बात के लिए स्वीकार्यता नहीं हो पा रही थी कि यह कैसे हो गया कि लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो रिकॉर्ड जिसके ऊपर वो बहुत इतराते थे उसकी बराबरी हो गई। मगर हमारे बहुत से विपक्षी सदस्य कहते हैं कि साहब नेहरू जी की बराबरी तो मोदी जी से नहीं हो सकती। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीसरी बार मोदी जी चुन के आए हैं और ये मैं भी मानता हूं कि नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए तीसरी बार आने पे मैं सिर्फ 3 बिंदु दूंगा जिस पर हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। नंबर 1, जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चुने जाने थे, सभापति महोदय मुझे आज तक याद है 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी और मोदी जी स्वयं उसके मेंबर थे, मगर उन्होंने कहा मैं उस बैठक में नहीं आऊंगा जिसमें मेरे बारे में विचार हो रहा हो। यह होता है नैतिकता के आधार के ऊपर निर्णय। और उस समय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे तो मुझे यह दायित्व दिया गया था कि मैं मोदी जी को रिसीव करके अध्यक्ष के कमरे में बैठा लूं और जब बैठक समाप्त हो जाए तो हम एक साथ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित करने के लिए। और महोदय, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड एकमत था, सारे कार्यकर्ता एकमत थे और पूरा देश एकमत था और तब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मोदी जी घोषित हुए। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी और 20 अप्रैल को मौलाना आजाद को गांधी जी ने लेटर लिखा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और मैं चाहता हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, परंतु इसके बावजूद उस बैठक के अंदर क्या हुआ इसका रिकॉर्ड आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, राजमोहन गांधी ने अपनी किताब सरदार पटेल और उस समय के सबसे प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में लिखा है कि एक वोट मिला पट्टाभिरमैया को और शायद 1 या 2 वोट मिले आचार्य कृपलानी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को। वाकई कैसे तुलना हो सकती है, सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी, एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना, इसलिए वाकई तुलना नहीं हो सकती। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा आज खड़गे जी अध्यक्ष बनना था तो सोनिया गांधी जी की इच्छा थी तो सारे डेलीगेट्स ने खड़गे जी को वोट कर दिया और शशि थरूर जी ने नामांकन वापस कर लिया। उस समय गांधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया तो मैं कह सकता हूं आज खड़गे जी की स्थिति उस समय के नेहरू जी से बेहतर है। अब मैं दूसरा बिंदु कहना चाहता हूं कि इसमें वाकई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और खड़गे जी में तुलना नहीं हो सकती। देखिए, नेहरू जी ने के विषय में प्रख्यात शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है और उसके बाद सभापति महोदय 2 साल जेल में रहे थे। और यहां मोदी जी के समय में हिटलर की मौत, मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदेगी जैसी बात कहने वाले लोग तो छोड़िए, जिन्होंने बोटी बोटी की बात कही थी वो सम्मानित सदस्य होकर अगले सदन में आ गए और इसके बावजूद किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कोई तुलना नहीं है मोदी जी और नेहरू जी की, दोनों की अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है। और एक मैं बात और कहना चाहता हूं, हमारे तीसरा बिंदु,
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कितने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, इसमें भूटान, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, रूस और मालदीव। और मेरे विरोधी विशेष रूप से सुने, इसके अतिरिक्त तमाम मुस्लिम देश, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, अफगानिस्तान और विशेषकर ध्यान दें फिलिस्तीन, इतने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, जो भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। और प्रधानमंत्री जी ने किसको सर्वोच्च सम्मान दिया? हमने भारत के, हमारी सरकार ने और सरकार की बनाई समिति ने सिर्फ हमारे नेताओं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया, हमने कांग्रेस के भी नेताओं को सम्मान दिया। कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं को भारत रत्न मिला, मदन मोहन मालवीय जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, प्रणब मुखर्जी जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, पीवी नरसिम्हा राव जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, हमारी पार्टी के नहीं थे परंतु कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, और कांग्रेस के नेता एससी जमीर और तरुण गोगोई जी को पद्म अवार्ड मिला। दूसरी तरफ नेहरू जी ने क्या किया? न किसी से अवार्ड मिला। अरे भाई, दूसरी पार्टी छोड़िए, अपनी पार्टी के सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं दिया, उन्होंने अपनी सरकार से खुद को भारत रत्न ले लिया। यानी एक मोदी जी जिन्होंने सबको भारत रत्न दिया और एक उनकी सरकार जिसमें खुद को भारत रत्न मिल गया। तो मैं मानता हूं कि इन तीनों बिंदुओं पर नेहरू जी और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोदी जी नेहरू जी की तुलना में एक अतुलनीय प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने यह अतुलनीय उपलब्धि हासिल की। और एक बात और कहूंगा अंत में, वाकई दोनों में बराबरी नहीं है। हम लोग बचपन में, एक बड़ा गीत था जो हमारी पीढ़ी और हमसे पहले वाली पीढ़ी ने जब अवश्य सुना होगा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, उसमें एक लाइन थी कि फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, वो तो फूलों की सेज पे थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी चाय की केतली लेके प्लेटफॉर्म पे दौड़े नरेंद्र लाल, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था, वो जवाहरात के लाल थे और नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल थे, वो हीरे जवाहरात के बीच में उनका बचपन गुजरा और इन्होंने गुदड़ी के लाल ने निकलकर आज भारत माता का भाल जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है उसके लिए सारा देश उन पर गर्व करता है। अब मैं पिछली बात को छोड़कर इस पे आता हूं कि इस तीसरे टर्म में हमारी सरकार किस प्रकार की बातों पर विचार करने की तरफ ध्यान दे रही है। राष्ट्रपति महोदया ने अपने बिंदु क्रमांक 5 में इस विषय का उल्लेख किया है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आने वाली है वो है एनर्जी, और एनर्जी में ग्रीन एनर्जी। हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को बहुत पहले से ध्यान कर इस बात को समझ लिया कि आने वाला एरा ग्रीन एरा है। और याद करिए कि हमारी सरकार ने आने के बाद सबसे पहले क्या किया था, एलईडी बल्ब देने शुरू किए थे। अब तक 37 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं जो अमेरिका की कुल आबादी से अधिक। उस समय हमारा अधिकतम पावर कंजम्पशन 50% से अधिक कोयले से होता था। अगर हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते थे और केवल कोयले से कंजम्पशन करते तो भारी मात्रा में कार्बन डिपोजिशन होता। ग्रीन एनर्जी का टारगेट जो हमारी सरकार ने रखा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह टारगेट रखा गया कि 2030 तक भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर जनरेशन का 40% क्लीन एनर्जी से होगा। और हमेशा सरकारों में देर में होता है कार्य, मगर महोदय मैं बताना चाहता हूं पहली बार भारत के इतिहास में वो 40% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय क्लीन एनर्जी का टारगेट 8 साल पहले 2022 में अचीव कर लिया गया। और अब 2030 के लिए रिवाइज टारगेट 50% क्लीन एनर्जी का हो गया है। यह दर्शाता है कि हमने कितना महत्वपूर्ण छलांग लगाई है, इसीलिए हम तीसरे नंबर की देश बन गए हैं सोलर एनर्जी के संदर्भ में। 2014 में जहां सोलर एनर्जी 2.6 गीगावाट थी, वहीं 2023 में 66.7 गीगावाट हो गई है। और इतना ही नहीं, अब प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की जिसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में है, मैं बताना चाहता हूं लोगों के घर पे सोलर रूफटॉप्स लगेंगे और मुफ्त की बिजली प्राप्त हो रही है। और मुफ्त की बिजली के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार चलाएंगे उनका चार्जिंग भी मुफ्त की हो जाएगी। सोचिए कि एक ऐसी योजना जिसमें किसी भी प्रकार का पर्यावरण पर आक्षेप नहीं आ रहा है, पर्यावरण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है,
मुफ्त की ऊर्जा मिल रही है और वो भी सरकारी खजाने पर बगैर कोई बोझ डाले। जो लोग मुफ्त मुफ्त की बात करते थे, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने ईमानदारी से एक ऐसी योजना के माध्यम से देश के करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली देने का प्रयास किया है, जो अपने आप में अद्भुत और अलग है। और आगे भी हम भविष्य में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने उल्लेख किया कि स्टार्टअप के मामले में हम दुनिया के तीसरे बड़े इकोसिस्टम बन गए, मगर हम तीसरे बड़े इकोसिस्टम सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं बने। जब हमारी सरकार नहीं थी